है नेम इज एड एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो सो आज की वीडियो में हमारे पास जो स्मार्टफोन है वो है इन्फिनिक्स और थर्टी और स्टार्टिंग में इसकी प्राइस की बात कर रहे हैं तो ये पहले 45,000 का था लेकिन अब इसकी इन्वाइस है वो कम होगी और ये 40,000 की प्राइस में अवेलेबल है मार्केट में तो इस फ़ोन के जो की स्पेसिफिकेशन है वो है इसमें एट जी और वन टू एट जी बी स्टोज मिलती है एंड यहाँ पे जो सिक्सटी जी बी मैंशन है वो एट जी बी का लॉलीपॉप होंगे इसमें देखने को मिलता है मतलब जो इसमें मेन रैम है वो एट जी बी की हमें देखने को मिलती है और ये एन एफ सी सपोर्टेड कुछ हाईलाइट्स की हम इसकी बात करें फ़ोन की तो हमें इसमें ही जी एटी एट का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है नाइनटी एट्स का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है एंड उसी के साथ थर्टी थ्री वोअ की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है फिफ्टी मेगा पिक्सल का बैक कैमरा है एंड जो है ग्लास फील की डिज़ाइन है लेकिन ग्लास नहीं है बैक पे और फ्रंट कैमरा है वो एट मेगा पिक्सल का तो जल्दी से इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं इसका जो कलर है मेरे पास वो है ग्रीन कलर तो इनफ्रिक्स इस कलर को कहते हैं सर्फिंग ग्रीन कलर तो हम जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स बॉक्स ओपन करते सारे सबके ऊपर हमें मिल जाता है हमारा फोन जिस पर वही मेन स्पेसिफिकेशन है वो है जिसमें सबसे ऊपर मिल जाता है ही हमें हेलियो जी डी एट का प्रोसेसर मैं नाइन एट्स का रिफ्रेश थर्टी थ्री फास्ट वॉट फास्ट चार्जिंग एंड उसी के साथ फिफ्टी मेगा पिक्सल का सुपर नाइट फिल्म फोटोग्राफी कैमरा उसके बाद बॉक्स ओपन कर लेते हैं ये हमें कुछ वारंटी के स्टिकर मिल जाते हैं जिनको हम साइड भी कर देते हैं उसके बाद हमें एक मिल जाता है इन्फिनिक्स का पावर अडाप्टर देखने को मिल जाता है जो अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो जैसे बॉक्स में मैं है अंदर थर्टी थ्री वोट का हमें एक चार्जिंग अडाप्टर देखने को मिल जाता है उसको हम साइड पर कर दें तो उसके बाद हमें मिल जाती है एक अदर चार्जिंग केबल जो है यू एस वी ए टू टाइप सी की केबल है इसको भी साइड पर कर दें तो उसके बाद हमें कुछ एक सिम तो में पिन देखने को मिल जाती है उसके बाद हमें मिल जाता है एक अदर हमारा तो वारंटी कार्ड एंड उसके बाद हमारा जो है वो सिलिकॉन का केस देखने को मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी प्लेन सिलिकॉन का केस है एंड अच्छी बात है बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है स्क्रीन प्रोटेक्टर और हैंड फ्री बॉक्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिली हम बॉक्स कंटेंट्स को जल्दी से साइड पर कर दें एंड आ जाते हैं अपने फ़ोन की तरफ तो फ़ोन की अगर हम लुक की बात करें फर्स्ट लुक की तो आप ये देख सकते हैं बैक साइड पर हमारा ग्रीन कलर मुझे काफ़ी सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये ग्रीन कलर इस फ़ोन का लगा है एंड जल्दी से हम इसको फोन को निकाल लें तो जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो इस फोन में हमें प्री अपलाइट देखने को मिल जाता है जल्दी से अगर हम इसके टर्न ऑन कर लें एंड इस फोन की फर्स्ट लुक ले तो बैक साइड पे आप देख सकते हैं हमें ये डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है और उसी के साथ ही हमें एलईडी फ्लैशलाइट देखने को मिल जाती है तो जब तक फोन टर्न ऑन हो रहा है हमें इसकी ज़रा एक स्टीकल देखने को मिल जाता है जिसको हम रिमूव करने तो तो यहाँ पर आप इसके पैटर्न देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये पैटर्न है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़रा ज़रा सा वाइट और ग्रीन का मिक्स शेड हमें देखने को मिलता है एंड बैक साइड पर हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें हमें फिफ्टी मेगा का हमारा मेन कैमरा भी देखने को मिलता है एंड उसके नीचे वाली साइड की बात करें हमें टाइप सी की बोर्ड माइक्रोफोन हेडफोन जैक एंड स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है स्टीरियो स्पीकर हमें इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है लेकिन ये जो ऊपर वाला स्पीकर है वो इतना ज़्यादा काम नहीं करता तो जल्दी से हम इस फोन को सेटअप कर लेते हैं बाकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो फ़ोन को टर्न ऑन करते साथ ही सबसे मुझे जो एक सबसे पहले इशू नज़र आया इस फोन में यहाँ पे हमें आप कैमरे के ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन रीडिंग का ज़रा इशू देखने को मिल जाता है तो ये फ़ोन है हमारा फाइनली सेटअप हो गया और मैंने फिंगरप्रिंट भी रजिस्टर कर लिया फिंगर प्रिंट की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है एंड आप देख सकते हैं जैसे ही हम इस पर फिंगर प्रिट रखते हैं तो उसी टाइम ये अनलॉक हो जाता है एंड जो इस फ़ोन के बाकी हम बात करें ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन की तो फ़ोन बिल्कुल भी स्लो फील नहीं हो रहा प्राइस के हिसाब से बिल्कुल ओके अगर हम जल्दी से कैमराज के कुछ मोड्स की बात कर ले तो सबसे ऊपर हमें नीचे हमें देखने को मिल जाता है फिल्म का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे हमें कुछ सिनेमेटिक्स के हमें डिजाइन देखने को मिल जाता है उसके बाद वीडियो का मोड देखने को मिल जाता है वीडियो की मैक्सिमम रेजोल्यूशन की बात करें हम टू के थर्टी एफ पी वीडियो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं ए कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है जाता उसके बाद ब्यूटी मोड हमें देखने को मिल जाता है एंड ब्यूटी मोड के बाद हमें पोर्ट्रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है सुपर नाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे कि आपको भी वही सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं स्लो मोशन और टाइम लैफ्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो आ, और भी इस इस प्राइस में काफ़ी और फोन भी आते हैं Redmi ट्वेल्व वगैरह तो मैं आपको बताऊं मैंने ये फ़ोन क्यों प्रेफर किया है और मैं आपको क्यों रिकमेंड करूँगा एक तो इसमें थर्टी थ्री की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है उनमें एटीन वोड की चार्जिंग मिल जाती है और कैमरा जो है इसका उनसे थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी जो डिज़ाइन है वो मुझे सबसे खूबसूरत लगा है इसी का ही सो दिस ब ऑल फॉर दिस वीडियो उम्मीद है की आज वीडियो आपको पसंद नहीं होगी बाकी जो इसका कम्प्लीट रिव्यू है वो एक अलहदा वीडियो में हम डालेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाफिज